ओके जी, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा डॉकर कंटेनर कैसे इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, इसके लिए आपका जो सर्वर है वो आपके कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल हो सकता है, चाहे वो किसी क्लाउड के ऊपर हो सकता है। तो अभी हमारे केस में ये अभी हमारा एक वीएम है, ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा अभी इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो पहले मैं अपने गूगल पे आया और मैंने इस साइट को ओपन किया, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हम ऐसे आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर कंटेनर पहले से इंस्टॉल्ड है कोई, तो ये उसको हटा देगा। तो मैं आ जाता हूँ। तो इसमें शायद पहले से इंस्टॉल्ड था नहीं, तो ये सिंपली अभी आपका ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में एक बार आपको इसे अपडेट करना पड़ेगा, जो इसका DNF सर्वर होता है, ये हमारा एक बार अपडेट होगा। ठीक है, अपडेट में आ जाते हैं। तो ये अभी अपडेट होना शुरू हो चुका है, और इसके बाद में जब ये अपडेट हमारा हो चुका है, ठीक है, तो मैंने क्लियर किया जाके, और इसके बाद में मुझे एक फाइल को अपने इस सर्वर में ऐड करना पड़ेगा। मतलब वी हैव टू ऐड द रिपोजिटरी। ये देखिए, सिंपली आ गए, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसको ऐसे वी कर दिया, जाके पेस्ट कर दिया। ये देखिए, ऐड हो गया। इसके बाद में सिर्फ पैकेज को मुझे इंस्टॉल्ड करना पड़ेगा। तो हम इधर आ जाते हैं, पैकेज हमारा ऐसे इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ऐसे आएंगे और ये देखिए जी, पैकेज अभी हमारा इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुका है। पैकेज 8 पैकेजेस हैं, अभी इसमें थोड़े से ऐड भी हो जाएंगे। जब ये पैकेज हमारा ऐड हो जाएगा, तब हमें इसकी सर्विस को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये काम हमारा हो चुका। तो ये कहीं पर भी आसानी से आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा, चाहे सेंटोस ओएस हो, चाहे आपका विंडो ओएस हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये इजीली इंस्टॉल्ड हो जाता है। ठीक है, 14 पैकेजेस हैं, एक बार ये हमारे अच्छे से इंस्टॉल्ड हो जाए। विल टेक फ्यू टाइम। ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है ये हमारा। मैंने क्लियर किया और यहां पर मैंने कमांड चला दी, सिस्टम CTL रीस्टार्ट, और इस सर्विस का नाम है DOCKER। तो ये मेरा अभी इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब अगर ये इंस्टॉल्ड हुआ है तो मुझे कैसे पता होगा? तो कमांड होती है डॉकर इन्फो। इसमें अगर आउटपुट आता है तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कैसे आपका इंस्टॉल्ड। इसके बाद में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो अगर क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी कमांड्स होंगी, तो आप सिर्फ ऐसे लिख दीजिए हेल्प -n। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस और इसके आगे क्या क्या काम होगा, पूरी इंफॉर्मेशन, सारी कमांड्स आपके सामने आ जाएगी। फोर्टे का हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या कोई कंटेनर इधर क्रिएटेड है। हम इधर आ जाते हैं, कमांड होती है कंटेनर। इस कमांड के आगे क्या है, अगर आपको ये हेल्प चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब अलग अलग आपके सामने शो हो रहा है। मुझे आना है ls कमांड पे, क्योंकि उससे मुझे कंटेनर शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कमांड। ठीक है, तो मैंने इधर कमांड चला दी ls कमांड। तो ls कमांड से यहाँ पर अभी कोई कंटेनर हमारा क्रिएटेड नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंटेनर हमारे स्टॉप हैं, तो वो फिर ls से नहीं होंगे शो। उसके लिए हमें इधर ऐड करना पड़ता है -a का मतलब होता है आर्काइव। तो ls स्पेस -a से जो भी आपके स्टॉप कंटेनर हैं वो भी आपको शो होंगे। और अगर आपने ls एग्जीक्यूट किया, तो जो कंटेनर अभी आपके स्टार्ट हैं सिर्फ वही शो होते हैं। तो ये अंतर होता है। ठीक है, तो अभी तो कंटेनर हमारे पास है ही नहीं। अब हमें करना क्या होगा, अब मैं एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हो सकता है। तो कैसे आपका ये होगा, तो डॉकर कंटेनर और रन, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमने कहा था कि यूबंटू, हमारी इच्छा यूबंटू। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये इसकी इमेज अभी आपके सिस्टम पर तो है नहीं,
तो ये तो नाउ इट विल अटैच विद द इंटरनेट, और ये उधर से ये अभी आपके सिस्टम पे आ गई है। ठीक है, इमेज कैसे शो होती है कि कितनी इमेजेस हमारे पास में है, तो गाइस कमांड होती है डॉकर इमेज एलएस। इस कमांड से आपको शो हो जाएगा कि इस टाइम पर आपके सिस्टम पर कितनी इमेजेस, तो अभी हमारे पास एक ही इमेज है। ठीक है जी, तो हम ऐसे आ जाते हैं और ये अभी हमारा क्रिएट हो गया होगा। ये हालांकि इधर भी क्रिएटेड हो चुका है, तो ये अभी हमारे दो कंटेनर क्रिएट हो चुके हैं। अब इसमें होता क्या है, एलएस में तो ये अभी आपको ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, ये 6 days एगो क्रिएटेड दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं एलएस स्पेस हाइफन ए पे आऊँ तो ये मुझे शो हो रखा है कि ये कंटेनर अभी आपका क्रिएटेड हो चुका है। ठीक है, एक इधर शो हो रहा है, तो आप ये आपकी, ओ सॉरी, ये तो हमारी इमेजेस है। मैंने कहा जी कंटेनर एलएस, अगर मैं ऐसे आऊं कंटेनर एलएस, तो इसमें अभी आपको शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा शो, क्योंकि कंटेनर क्रिएट होकर स्टॉप हो गया है। तो स्टॉप कहाँ से शो होता है, हाइफन ए से। तो आप देख सकते हैं दो कंटेनर थे। जब भी कंटेनर क्रिएट होता है उसको एक आईडी असाइन हो जाती है, और ये होती है कंटेनर आईडी। इमेज कौन सी है, ये इसका शेल है, कितने टाइम पहले ये क्रिएटेड हुआ है, और ये कित कित और ये स्टॉप हुआ है इतने टाइम पहले। ठीक है, और ये जो आपका कंटेनर है इसको ना एक नेम ना अपने आप से असाइन हो गया। अभी मैं सब के ऊपर आऊँगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये अभी आपको शो हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका एक कंटेनर क्रिएट हो और वो कंटेनर हमारा चलता रहे, लेकिन वो हमारे बैकग्राउंड में अभी हमारा वो क्रिएटेड हो जाए, तो कमांड होती है इधर आर यू एन। ठीक है, कि ये कंटेनर हमारा चलता हो और ये स्टॉप ना हो। हाइफन डी से ये इसके बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, और यू बंतु। अब इधर एक कमांड होती है स्लीप 60। ये 60 क्या है, 60 सेकेंड। ये कंटेनर क्रिएट होगा, ये 60 सेकेंड तक आपका चलेगा और फिर ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए मैं करता क्या हूँ, इधर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे में इसको स्मॉल किया जा, ये देखिए। ठीक है, और इधर मैं एक और स्टार्ट कर लेता हूँ इधर जाके न्यू विंडो, ताकि मैं आपको शो करा सकूँ, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एंटर किया तो ये क्रिएट हो चुका है, ये देखिए। और मुझे कैसे शो होगा, सिंपल डॉकर कंटेनर और एलएस, एलएस में आपका आपका स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी आपको शो हो रहा है, लेकिन ये 60 सेकंड में स्टॉप हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, अभी 20 सेकंड हो गए हैं, प्लीज वेट अगेन चेक। 30 सेकंड हो चुके हैं, और 30 सेकंड होने के बाद में फिर ये अभी आपका स्टॉप हो जाएगा, फिर हमें एलएस स्पेस हाइफन ए से शो होगा। अभी 41 सेकंड हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हो कि आपका कंटेनर कितने टाइम तक स्टार्ट रहे और फिर ये कब आपका स्टॉप हो जाए, ये टाइम हमेशा आपका सेकंड्स में आता है। देख लेते हैं जी, 56 हो चुके हैं सेकंड, अगेन क्लियर, रॉन्ग कमांड। ये देखिए मैंने चलाया इधर कमांड, तो इधर मुझे अब ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि अब ये स्टॉप, और ये स्टॉप मेरा शो होता है हाइफन ए से, ये देखिए आ गया ना। तो यहाँ पर कंटेनर अभी तक आपके ये 2 थे, अब यहाँ पर ये आपका तीसरा भी शो हो गया है, ये वाला इतने सेकंड पहले ये आपका अभी स्टॉप हुआ है। ठीक है जी, इतनी बात हमें अंडरस्टैंड हो गई। अब मैंने कहा कि कंटेनर क्रिएट हो और वो चलता भी रहे, हमारा स्टॉप ना हो। तो इधर मैंने स्लीप 60 को ऐसे बंद कर दिया, और इधर मैंने अटैच किया हाइफन आईटी। आईटी का मतलब होता है इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव। तो आप देखिए एक कंटेनर क्रिएट हो चुका है और ये अभी आपका चल रहा है इसके बैकग्राउंड में, और ये अभी आपका स्टार्ट है। कैसे शो होता है, एलएस स्पेस कमांड से ये आपको शो होगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये अभी आपका स्टॉप होगा। जब भी कंटेनर
आपका स्टार्ट होता है तो उसको एक कंटेनर आईडी तो आपकी असाइन हो जाती है। तो आईडी को चाहे तो आप ये पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। अब अगर आपको इसे स्टॉप करना है, जो कंटेनर अभी हमारा चल रहा है ये अभी हमारा स्टॉप हो जाए, तो कमांड होगी डॉकर कंटेनर, ठीक है, और स्टॉप। अब इधर आप एक बात अंडरस्टैंड करिए, चाहे तो ये पूरी आईडी को ऐसे पेस्ट कर दीजिए या फिर स्टार्टिंग के दो तीन अक्षर हो सकते हैं, तो ऐसे भी काम हमारा हो जाता है। तो अगर ये स्टॉप हुआ है, अभी जरा ये एक बार हमारा स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो चुका है। अगर ये स्टॉप हुआ तो मुझे ये इधर ना शो होकर इधर शो होगा। अब इधर ये मेरे चार कंटेनर मुझे शो हो रखे हैं, क्या था 6B, तो यहाँ पर 6B वाला ये रहा, देखिए 6 सेकेंड पहले ये आपका अभी आपका स्टॉप हुआ है। लेकिन अगर आपको इसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट, ठीक है, तो ये अभी आपका स्टार्ट भी हो जाएगा और ऐसे ही ये आपका रीस्टार्ट भी हो जाएगा। तो अब ये एलएस स्पेस हाइफन ए में नहीं, एलएस में अब आपका शो होगा। पहले जरा मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर दोबारा से कमांड चला देता हूँ। ये देखिए शो हो गया ना, ठीक है। अब कंटेनर को अगर मुझे इरेज करना है तो आप पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए कि कंटेनर अभी आपका स्टार्ट है। अगर आपने ट्राई किया कि ये अगर आपका इरेज हो जाए तो फिर इसमें कमांड होती है आरएम, लेकिन ये अभी आपका स्टार्ट है तो फिर इसने क्या कहा कि नो, ये स्टार्ट ये ऐसे नहीं हो सकता, इसके लिए पहले आपको इसे स्टॉप करना पड़ेगा तभी ये आपका इरेज होगा। तो फिर जी स्टॉप तो आपका इससे हो रहा है और जी आपका इरेज इससे हो जाएगा, बट हमने कहा नहीं, ये स्टार्ट भी रहे और ये हमारा टर्मिनेट हो जाए। तो फोर्सफुली काम कैसे होता है, तो फोर्सफुली के लिए आपको इधर हाइफन एफ लगा देना पड़ेगा। हाइफन एफ का मतलब होता है फोर्सफुली। तो ये आपका टर्मिनेट हो चुका है और अब ये मुझे इधर तो शो होगा नहीं, ठीक है। तो गाइज ये आपका ऐसे काम होता है। तो इस क्लास में हमने पढ़ा कि ये कैसे इंस्टॉल्ड होता है, इसका पैकेज, और कंटेनर पे कैसे काम होता है, ठीक है। चलिए, ओके जी, थैंक यू सो मच।